Man uses knowledge and information to reach some valid conclusion and to do problem solving. For this, he uses logic, and logical reasoning is of two types, that is inductive and deductive. जब हमें किसी समस्या का समाधान करना होता है या हम किसी वैध नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तब हम प्रयोग करते हैं नीति शास्त्र का. नीति शास्त्र तर्क पर आधारित है और तर्क दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव यानी निगमनात्मक और डिडक्टिव यानी कि आगमनात्मक. इन इंडक्टिव रीजनिंग वी गो फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जनरलाइजेशन, यानी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं और इनके आधार पर किसी जनरलाइजेशन या किसी फैक्ट को प्रस्तुत करते हैं. डिडक्टिव इसके ऑपोजिट है. इन डिडक्टिव जनरलाइजेशन हमारे पास पहले से मौजूद होता है जिसको हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं. यानी रीजनिंग में चाहे रीजनिंग इंडक्टिव है चाहे डिडक्टिव है, दोनों ही लॉजिक या न्याय शास्त्र के अभिन्न अंग हैं. इंडक्टिव रीजनिंग में हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और किसी कॉमन रूल को ऑब्जर्वेशंस के द्वारा फाइंड आउट करते हैं और उसे एक ब्रॉडर स्टेटमेंट के रूप में डिक्लेयर करते हैं. अनेक उदाहरणों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिए जाते हैं और हम कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर चलते हैं. यानी कॉन्क्रीट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं. तो इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूलाज बनाने के लिए या कोई जनरल रूल्स डिस्क्राइब करने के लिए. ये जो विधि है ये अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम दी गई थी, इसलिए अरस्तु या अरिस्टोटल को इस विधि का जनक माना जाता है. आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में हिल्डा टाबा का इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल. यानी ये मॉडल हमें इस बारे में जानकारी देता है कि हम विद्यार्थियों में इंडक्टिव थिंकिंग किस तरह से पैदा कर सकते हैं या हम उनको किस तरह से इंडक्टिव थिंकिंग के लिए तैयार कर सकते हैं. ये मॉडल लर्नर को या स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है ताकि वो बेहतर तरीके से या एफिशिएंट वे में थिंक कर सके. इस मॉडल को यूज़ किया जाता है क्रिएटिव थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या तब जब हमने बहुत सारा डाटा प्रोसेस करना है और उससे कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है. आज हम इसके की कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडक्शन इस मॉडल के अनुसार किस तरह से लिया जाता है, इस मॉडल के अनुसार थिंकिंग क्या है और जनरलाइजेशन क्या है. इस मॉडल में तीन थिंकिंग स्किल्स डिफाइन किए गए हैं और उनके लिए तीन टीचिंग स्ट्रेटजीज डिफाइन की गई हैं. इनके बारे में भी हम इस लेसन में जानकारी लेंगे. आगे चलने से पहले जान लेते हैं हिल्डा टाबा के बारे में. हिल्डा टाबा का टाइम पीरियड 1902 से 1967 का है. ये जन्म से एस्टोनियन थी लेकिन ज़्यादा समय इन्होंने अमेरिका में बिताया. ये जॉन डीवी की स्टूडेंट थी. इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी और इनके डेथ के बाद भी इनके स्टूडेंट्स ने इनके वर्क को काफ़ी पब्लिश कराया और कॉन्टीन्यूड रखा. इनको अमेरिकन एजुकेटर का रिफॉर्मर माना जाता है और इनका वर्क एज ए करिकुलम थ्योरिस्ट, करिकुलम रिफॉर्मर बहुत ही एक्लेम होता है और इनको 20th सेंचुरी का मोस्ट आउटस्टैंडिंग टीचर एजुकेटर माना जाता है. इनका वर्क जो कि करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1962 में प्रेजेंट हुआ, दैट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने मॉडल ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग दिया और करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल दिया. और इंडक्टिव थिंकिंग का जो मॉडल है ये थ्रेटिकल और पेडागॉजिकल फाउंडेशन मानी जाती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए. बेसिकली ये मॉडल सोशल स्टडीज करिकुलम के लिए डेवलप हुआ लेकिन बाद में इसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूटिलाइज किया गया और इसको सभी जो एजुकेटर्स हैं बहुत ही इसको यूजफुल मॉडल मानते हैं. सबसे पहले जान लें कि इंडक्शन क्या है. इंडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइजेशन डिराइव्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स. यानी जब हम बहुत सारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनके विवरण के आधार पर कोई सामान्यकरण डेफिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन.
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इंडक्शन को डिफाइन करती है टू डिराइव बाय रीजनिंग टू लीड टू समथिंग एज ए कंक्लूजन और इन्फ्रेंस और सजेस्ट और इम्प्लॉय। यानी ये एक रीजनिंग बेस्ड प्रोसेस है जिससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं या किसी तर्क या इन्फ्रेंस पर पहुंचते हैं। इंडक्शन इज एज द प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग ए जनरल लॉ और प्रिंसिपल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टांसेस। यानी ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे हम एक जनरल लॉ या प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं और वो बेस्ड होता है खास विशेष एग्जाम्पल्स की ऑब्जर्वेशन पर। द ऑपरेशन ऑफ डिस्कवरिंग एंड प्रूविंग जनरल प्रपोजिशन। इंडक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है दैट इट इज ऑपरेशन, ये एक कार्य है ऑफ डिस्कवरिंग एंड प्रूविंग जनरल जनरल यानी सामान्य, प्रपोजिशन यानी प्रस्तावनाएं, यानी सामान्य प्रस्तावनाओं को सही साबित करने के लिए या उनकी खोज करने के तरीके को भी इंडक्शन कहा जाता है। इंडक्शन इज दैट ऑपरेशन ऑफ माइंड बाय विच वी इन्फर दैट व्हाट वी नो टू बी ट्रू इन ए पर्टिकुलर केस और केसेस विल बी ट्रू इन ऑल केसेस दैट रिजेंबल द फॉर्मर इन सर्टन असाइनेबल रिस्पेक्ट। यानी ये एक मानसिक क्रिया है, मन मस्तिष्क का कार्य है जिससे हम ऐसा तर्क देते हैं कि अगर हमने कोई केसेस में किसी इन्फ्रेंस को डिटेक्ट किया है और उसके बाद हम कोई ऐसा केस देखते हैं जिसको काफ़ी रिजेम्बलेंस है पुराने केसेस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि उसके जो इन्फ्रेंसेज हैं, उसका जो तर्क है, वो नए केस के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कहीं आग लगी देखते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो इस एग्जाम्पल को हम कई बार अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद अगर हम सिर्फ धुआं भी देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आग लगी हुई है। तो हम एक जनरल रीजनिंग को, जनरल प्रपोजिशन को स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे, अननोन एग्जाम्पल पे भी अप्लाई कर पाते हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं और दोनों का ही तर्क में बहुत महत्व है। नेक्स्ट इज पुलिंग टुगेदर ऑफ ए नंबर ऑफ सेपरेट फैक्ट्स पर्टिकुलर एटसेट्रा स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग ए जनरल स्टेटमेंट। तो ये एक तरीका है जिसमें किसी एक सामान्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, सही साबित करने के लिए हम उसके जो इन्फ्रेंसेज हैं वो कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल से लेते हैं, वो चाहे फैक्ट्स हो, पर्टिकुलर्स हो, और इसके द्वारा हम उस जनरल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। ई मेयर ने इंडक्टिविज्म के मेथड को या इंडक्शन के मेथड को साइंस स्टडीज में एक्सप्लेन किया है। Inductivism claims that we can arrive at objective unbiased conclusion only by recording, measuring and describing what we encounter without any root hypothesis. Yani, inductive method से हम किसी example के unbiased conclusion पर पहुंच सकते हैं, और ये तभी हो सकता है अगर हम सही recording करें, यानि सही जानकारी को सूचीबद्ध करें, उसको सही measure करें और सही डिस्क्राइब करें, सही तर्क दें, देन वी कैन यूज इंडक्टिविज्म टू रीच अनबायस्ड कंक्लूजन। तो इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स को यूज कर सकते हैं इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, नई जानकारी को सीखने के लिए, और इसको साइंस टीचिंग में भी बहुत यूजफुल माना जाता है, और इसको साइंटिफिक मेथड के रूप में भी कई लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ टू थिंक। हिल्डा टाबा ये मानती थी दैट लर्नर कैन बी टॉट हाउ टू थिंक, यानी लर्नर को कैसे सोचना है ये सिखाया जा सकता है, और ये किया जाता है सूचनाओं के आधार पर या डाटा के आधार पर। अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा वाइल द प्रोसेस ऑफ थॉट आर साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्ट टू साइकोलॉजिकल एनालिसिस, द प्रोडक्ट एंड कंटेंट ऑफ थॉट मस्ट बी असेस्ड बाय लॉजिकल क्राइटेरिया एंड इवेल्युएटेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिक। हिल्डा टाबा ये मानती थी कि जो थिंकिंग का प्रोसेस है ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए इसका एनालिसिस साइकोलॉजिकल वे में होना चाहिए, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस को बायोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा समझा जा सकता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को साइकोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा समझा जा सकता है।
लेकिन इस सोचने की क्रिया के कारण जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो कंटेंट बनता है उसको असेस किया जाना चाहिए लॉजिकल क्राइटेरिया पे एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉजिक। तो सोचने के बाद जो प्रोडक्ट या कंटेंट डेवलप होता है उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। बेस्ड ऑन टाबस मॉडल थिंकिंग इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट डाटा टू इंटू कंसेप्चुअल पैटर्न। यानी टाबा का मॉडल थिंकिंग को किस तरह से डिफाइन करता है, थिंकिंग क्या है, जब लर्नर कंसेप्चुअल पैटर्न फॉर्मुलेट कर सके बेस्ड ऑन डाटा और अपनी जानकारी को उस जो उसने अलग अलग डाटा के जो डिस्क्रीट डाटा मतलब जिसमें जानकारियां बिखरी हुई हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसे डाटा में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उस जानकारी को पहचानना और उसको वर्बलाइज करना यानी वर्ड्स में दूसरे को बताना, दैट इज ऑल्सो थिंकिंग। टू मेक इन्फ्रेंसिस फ्रॉम डाटा यानी सूचनाओं से जानकारी को छांटना, मेक जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा यानी डाटा को जो बहुत सारा हो सकता है उसको सामान्यकरण करना और फिर इन सामान्य जो तथ्य हैं उनको टेस्ट करना। टू बिकम सेंसिटिव टू सच क्रॉली रिलेशनशिप्स एज कॉज एंड इफेक्ट एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और इस समय पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि कॉज एंड इफेक्ट्स क्या हैं और कौन सी जानकारियाँ हैं जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के रूप में पहचानी जा सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाबस मॉडल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्चुअल पैटर्न, वर्बलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीट डाटा, इन्फ्रेंसेस निकालना, जनरलाइजेशंस करना, जनरलाइजेशंस को टेस्ट करना और इसके साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जनरलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट। इन ब्रूनर्स मॉडल वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट, टाबस मॉडल टॉक ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन और कॉन्सेप्ट दोनों ही एविडेंस के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग पर बेस्ड है। तो दोनों में एक सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन विच एग्जाम्पल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी। सो सिमिलैरिटी इज बोथ आर एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ अब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमनैलिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स हुज एलिमेंट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एक्सप्रेसिंग इट इन ए कन्विंसिंग वे टू अदर। तो दोनों में ये चीजें हैं, दोनों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दोनों में ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी और दोनों में ही एक्सप्रेसिंग द आइडिया टू अदर्स है यानी वर्बलाइजेशन ऑफ आइडिया है। डिफरेंस में क्या है, फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इन जनरलाइजेशन द वर्बल फॉर्म ऑफ द प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए सेंटेंस, जबकि कॉन्सेप्ट में इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। Another difference is generalizations are representing a higher level of thinking as they are statement of relationship among two or more concept. तो generalization concept से higher level की thinking को demand करता है क्योंकि ये इन concepts में क्या relationship है उसको define करेगा। टाबा model thinking skill के तीन different types को define करता है, to form concept, to interpret data and to apply principles, और तीनों thinking skills को develop करने के लिए तीन teaching strategies को define करता है। जैसे concept formation के लिए listing of items, क्योंकि बहुत सारे examples हैं तो उनको properly group करना, properly list down करना, फिर उनको group करना on the basis of similar items और फिर उसको label करना यानी concept का नाम देना। सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा विच इज रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग, इन्फरिंग एंड जर्नलाइजेशन। दिस इज रिलेटेड टू कंसेप्ट अटेनमेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिडक्टिव कैपेबिलिटीज। सो इन दिस मॉडल वी सी दैट द रूल्स विच आर फॉर्म्ड इंडक्टिवली आर अप्लाइड डिडक्टिवली। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन है दैट विल बी ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल, तो उनमें क्या कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है और फेमिलियर
और अनफेमिलर फिनोमेना को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ताकि ये जाना जा सके कि कौन से फिनोमेनाज के ऊपर इंडक्टिव मेथड विल बी यूज्ड एंड वेयर इट कैन नॉट बी। टू एक्सप्लेन द कॉजल लिंक, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना और हाइपोथेसिस देना और उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना। हिल्डा टाबा का जो मॉडल है ये एक मेंटल प्रोसेस और एकेडमिक क्लासिफिकेशन को, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि साइंस टीचिंग में भी यूज़ होता है, सोशल साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज टीचिंग में, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में इस मॉडल के यूजफुल माना जाता है। अकॉर्डिंग टू टाबा द बेस्ट वे टू डील विद इंक्रीज इन नॉलेज इज टू एम्फेसाइज द एक्विजिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट रादर देन फैक्ट्स अलोन। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल लर्नर को हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो हिल्डा टाबा ये मानती थी कि जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा को इंक्रीज कर रहे हैं हम, नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जानकारियाँ इतनी बढ़ रही हैं, तो इसमें बेहतर क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक्वायर करें, उसको समझ बनाएं और आइडिया और कॉन्सेप्ट्स को प्रयोग में लाएं रादर देन नोइंग द फैक्ट्स अलोन। यानी इन कंपैरिजन टू रोट लर्निंग थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड।